सो गाइस, आपको बता दूं कि ये ऑफिशियल अपडेट है जिसमें यहाँ पर कुमाऊं यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड सेट यानी कि SET आपका जनवरी 7 तारीख को एलिजिबिलिटी के लिए टेस्ट होना है। उसके लिए यहाँ पर जो पूरी जो ऑफिशियल अपडेट जारी हो चुका है, तो ऑनलाइन आवेदन करने की स्टार्ट आज से शुरू हो चुकी है 25/11 से। आपका जो लिंक है आपको यहाँ पर जो है मिल चुका होगा। एलिजिबिलिटी आप लोग देखिए कौन कौन इसके लिए फिल कर सकते हैं। सेम वही है आपका जो पहले था, ठीक है। UGC की जो मानक है आपके, ठीक है, 55% आपके पास यहाँ पर मास्टर डिग्री में होना चाहिए। और अगर आप SC ST और PW वाले में हैं, OBC में हैं, तो 50% आपका चल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपका यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। तो ये हॉरिजेंटल आरक्षण है जो आप लोग देख सकते हैं, 30% वुमेन के लिए ऐसे, यहाँ पर 3% आपके PWD के लिए, DEE के लिए 2% ऐसे रखा गया है, EWS के लिए 10%, 5% आपके आर्म्ड फोर्स के लिए रखा गया है। सब्जेक्ट आपको देखिए टोटल 27 सब्जेक्ट में है यहाँ पर, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सभी विषयों पर है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और साथ में एग्जाम सेंटर आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा, अल्मोड़ा, नैनीताल, हर एक पंतनगर में भी है, हल्द्वानी भी थोड़ा गाड़ी यहाँ बागेश्वर संपात में आपको मिल जाएगा, रुड़की है, कोटद्वार है, सभी जगह मिल जाएगा। आवेदन आप इसकी यहाँ से कर सकते हैं आवेदन, ठीक है। ये है, कहाँ गया, ये है साइट यहाँ से, ठीक है। कल मैंने दिखाया भी था आपको खोल के, तो कल तो ओपन नहीं हो रहा था, आज हो जाएगा, आप ट्राई कर लेना इसी वेबसाइट पर, आज हो जाएगा ओपन, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं आज दिन से स्टार्ट हो गया 25 तारीख से। शुल्क अगर बात करूँ यहाँ पर तो 1400 रुपये शुल्क रहेगा जनरल कैटेगरी। OBC है, SC ST उनके लिए 840 रुपये, OBC को भी इस बार फायदा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी नहीं तो जनरल की बराबर ही रहती है शुल्क, तो OBC वालों के लिए भी इसमें फायदा है। इसमें दो पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर आपका यहाँ पर 100 मार्क का होगा, 50 क्वेश्चन आर कंपल्सरी होंगे, और दूसरा आपका सेकेंड पेपर होगा, इसमें 200 मार्क का होगा, 100 क्वेश्चन कंपलसरी होगा, जो कि 1 से लेकर 4 के बीच में होगा, और यहाँ पर 2 से लेकर 9 से लेकर 12 के बीच में होगा। साथ एक को एग्जाम की तिथि रखी गई है, ठीक है। और मेरे ख्याल से इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, मेरे हिसाब से मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है, एक बार ट्राई कर चेक कर लेना। और माइनस मार्किंग नहीं है मेरे ख्याल से, जहाँ भी मैं दिख रहा हूँ माइनस मार्किंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा, फिर भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और माइनस मार्किंग नहीं मांग के चल रहे हैं यहाँ पे। और बाकी क्या है इसमें कुछ अप्लाई, यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है, देख सकते हैं पूरा पूरा प्रोसेस है यहाँ पर वेबसाइट का, और इसमें कुछ नया है अगर है तो बाकी कुछ नया नहीं है, बस ये EWS वालों के लिए सर्टिफिकेट आया है, जो SC ST और EWS जो भी है इनके लिए सर्टिफिकेट बना रखा है। ये तो बाद में काम चलेगा, जैसे आपका जब वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट, जो उस टाइम के लिए होता है। तो ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, इनके लिए विषय बार आपके आ चुकी हैं, 27 विषयों पर निकाली गई हैं, आप चेकआउट कर लेना, यहाँ पर 27 विषय निकाले गए हैं, आप इन पर आवेदन कर सकते हैं।